साई कैसे देख रहा है, जरा देखिए साई को भी। पहले क्यों आया था पिजन, या पानी भी रखा तो पी लेगा। राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। होपफुली सब अच्छे होंगे दोस्तों और स्वस्थ होंगे। और आज है भाई हमारी अच्छी वाली मॉर्निंग, जो कि दिल्ली में हुई है हमारी सुबह। और बच्चे देखिए इधर सो के उठ के बैठ चुके हैं, इधर ईशु और कौन देख रहे हैं, इधर सोनू और ईशु भैया फोन देख रहे हैं, और साई भी फोन देख रहा था और ईशु भी फोन देख रहा है। ठीक है, दोनों ही फोन देख रहे हैं। हाँ तो ऐसे करोगे तुम। और देखो ध्रुव और कुणाल जा चुके हैं स्कूल, अभी मैं तो 9 बजे के बाद में स्टार्ट कर रही हूँ अपना ब्लॉग। मेरा दीदी भी रेडी हो रही है अपने काम के लिए जाने के लिए। हम लोग हैं अभी, हमने चाय भी नहीं पिए, मुँह भी नहीं धोया, एकदम ऐसे उठ के बस लेट गया। कुछ मन भी नहीं करता कि जाके चाय भी बनाओ, कुछ भी करो। और दीदी ने तो खाना पीना सब बना के रख दिया, बोल के मैं जाऊँगी तो इसलिए मैं सब चीज़ बना के रख दी। तुम लोग मक्खन से खा लेना, बस नाश्ता तो अपना कर लो, जो तुम्हें करना है वो। तो वही बच्चों के लिए बनाऊँगी शेक अभी, और हम लोग चाय पियेंगे, चाय के साथ देखते हैं ब्रेड पापे जो भी रहेगा वो खा लेंगे, देखा जाएगा। और यही है दोस्तों, और आज जाना है हमको सोनू के साथ हॉस्पिटल। एक्चुअली सबसे मेन तो हमारा आज का था, स्पेशली हम इसी के लिए आए हैं हॉस्पिटल के लिए। तो हॉस्पिटल जाएँगे सोनू को दिखाने के लिए। तो चलिए अभी पहले आगे काम करते हैं, फ्रेश फ्रेश होते पहले। ये देखिए दोस्तों, इधर सोनू जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं सोनू? डॉक्टर के पास। सुई लगवाने? चलिए चलते हैं अब। दोनों बच्चे साई और ईशु घर पे अकेले हैं, बाकी मैं और सोनू जा रहे हैं। बच्चे आ जाएंगे स्कूल से ध्रुव और कुणाल, तो फिर कोई दिक्कत भी नहीं है, फिर अपने काम से निकल गएंगे। चलिए फिर pistol on my hip like I'm a cop. Yeah. Ever met a real nigga rock star? This ain't no guitar, it's just a clock. My Glock told me to promise you gon' squeeze me. Better let me go the day you need me. I'll be on that nigga, get the bus. अभी देखिए दोस्तों, अभी हमें चेंज करनी है दूसरी वाली ट्रेन मेट्रो। तो अभी राजीव चौक पे हम आ चुके हैं, अब जैसे आएगी तो हम लोग चढ़ जाएंगे। क्या कर रहे हैं आप? टिकट बुक। अभी आए हुए एक दिन नहीं हुआ है और टिकट बुक फिर से पूरा फुल है यहाँ पे। वहाँ पे तब भी सीट मिल गई थी, बैठे थे अपन लोग, वो फैट है। ये हम लोग का जो निकल रहा है ना, ये फैट है, मसल्स नहीं है। जो बॉडी बन रही है ना एक्स्ट्रा फैट बॉडी है, मसल्स नहीं है। मसल्स होती ना एकदम कट कट जाते हैं। लेकिन लूज है, टाइट होगा। एक दो साल में तो ही आएगा पूरा। देखिए सब पूरा बहुत ज्यादा रश है, बहुत ज्यादा। ਮੁੰਡੇ ਆਂਦੇ ਸੋਹਣੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਵੀ ਬੇਬਾ ਨਾ ਪਾਲਦੇ ਸੋਹਣੇ ਬਾਗਮਲਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਲਿਰਿਕਸ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਾ ਫੜਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦੇ ਆ ਗਏ ਦੋਸਤੋ ਅਭੀ ਹਮ ਰਿਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਬਸ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਨਾ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜਾਣਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮੇਨ ਦਿਨ ਸੀ ਆਣੇ ਲੱਗੇ ਥਕਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਲ ਨੂੰ ਹੈਂਗਓਵਰ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਨੇ ਦਾ अच्छा लग रहा है ट्रैवल करके, मतलब दिल्ली में आ रहे हैं मस्त लगता है। ठीक है यहाँ बैठे सोनू उधर, हम बैठे हैं, पता नहीं वो अपना काम करवा रहे हैं, कुछ कॉर्पोरेट डेस्क पे हैं तब करवा रहे हैं। पीछे कॉफ़ी है, कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है, पहले सोनू का काम हो जाएगा फिर कॉफ़ी पियेंगे। दो चार नंबर के बाद होगा, देखो अभी चेंज करके आए हैं। अभी देखिए हम बैठे हैं दोस्तों, नाम लिखवा दिया, सो हमने चेंज भी कर लिया कपड़े, तो जैसे नंबर आएगा वैसे ही अंदर चलेंगे दिखाने के लिए। सोनू एकदम ऐसा लग रहा है स्पोर्ट्स खेलने जा रहे हैं, पता है? yes.
जाऊंगा चलता हूं। मैं भी ऐसे बैठ रही हूं, चलो दोनों दोनों साथ साथ चलेंगे, बहुत दिन हो गए। तो अभी देखिए हमने सोनू को दिखा दिया है, फिजियोथेरेपिस्ट को भी, उन्होंने भी एक्सरसाइज वगैरह भी बता दिए, फिर चेक भी कर लिया, सब ठीक है। फालतू में ये लोग परेशान होते रहते हैं कि मेरे यहाँ ऐसा लग रहा है, कि यहाँ ऐसा लग रहा है, माइंड का जो बहम रहता है ना, यहाँ कुछ कुछ लग रहा है वो। अब ऑपरेशन हुआ है तो टाइम तो लगता ही है ना कोई भी चीज़ में, बस वही है। अभी भी कुछ सोच रहे हैं, देखो स्पोर्ट्स के बारे में सोच रहे हैं, डॉक्टर बोले अभी 5-7 महीने और रुको। तो अभी पूरे स्पोर्ट्स के लिए सोच रहे हैं कि अपना बैडमिंटन, मैंने भी तो नहीं खेला था वैसे बैडमिंटन, पता है। चल चल खाएंगे खाना, चाय को अभी बुला लो, चलो बहुत देर हो गई, ठंडा भी लग रहा था यहाँ पे। अरे बेकार मत करे, अभी हम निकल आए हैं गर्मी लग रही है, बोले आज बहुत सही लग रहा है, फिर भी मौसम में क्या अच्छा, वही आज बहुत अच्छा मौसम हो गया। तो आगे चल रहे हम लोग, बाहर निकल रहे हैं। दोस्तों हम खा रहे हैं मैगी, एक्चुअली छोले कुलचे की बोल रहे थे सोनू, पर छोले कुलचे यहाँ पे है ही नहीं। हाँ, मैगी बनाएंगे कल, सेंड करा लेंगे कल। और स्ट्रीट में बैठे खाने का एकदम मज़ा अलग ही है, और देखिए कितना अच्छा व्यू लग रहा है, हम लोग यहाँ बैठे हैं। नरेंद्र सर उठा ले, अपनी ना ले ले। अच्छा टैक्सी लगे? हाँ तो तभी बची, उन्हें बहुत अर्जेंट हो। मैंने सर मैं थोड़ा ऊपर की साइड में होगा, वहाँ पार्क में चले जाओ। दोस्तों अभी देखिए हम आ गए थे, काफ़ी देर हो गई आए हुए हमको, और आके देखिए बच्चे खाना भी खा रहे हैं, हमने चाय वगैरह भी पी ली, मिठाई भी खा ली है, इधर जैक्सन भी खूब मीठा खा रही है आज, तो मैं देख रही हूँ 2-3 बार खा चुकी है। अभी दही खा रही है मैडम, दही चाहिए इनको। इधर देखो बच्चे खा रहे हैं खाना, दाल भात दाल भात कर रहे हैं, उधर किचन में चल रहा है काम उनका। यही है दोस्तों, तो किसी को भी खिलाई दिया खाना, बस मैं रहेगी तो अभी मैं खा लेती हूँ। चलिए दोस्तों आज का दिन हॉस्पिटल में बताया और मज़े आए, मैंने लेस खाया हॉस्पिटल में, मैगी खाई स्ट्रीट वाली वो मस्त एकदम बढ़िया, और अपना हाथ और अपना हाथ का भी दिखा के आई, तो डॉक्टर ने दवा लिख दी है, बाकी बोले कोई दिक्कत नहीं सही हो जाएगा, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, नर्व का भी नहीं, कहीं हड्डी का भी नहीं। भाई चलो ठीक है भाई, चलो अच्छा है भाई। चलिए दोस्तों फिर आज का ब्लॉग मैं यही एंड कर देती हूँ, होपफुली आपको ब्लॉग अच्छा लगे, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर तो जरूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करना एकदम मत भूलिए। मैं एक नई वीडियो तब तक, राय दोस्तों।